रेलवे की ओर से एक बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पर निकल के आई है आईटी छात्रों के लिए, जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, रेलवे के अप्रेंटिसशिप का। जी हाँ, यहाँ पर रेलवे ने एक और अप्रेंटिसशिप यहाँ पर भर्ती जारी की गई है, और ये कम भर्ती नहीं है भाई साहब, 3,612 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, काफ़ी ज़्यादा पद हैं। ठीक है, इनमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी, पूरा डिटेल वीडियो बताने वाला हूँ। 3,612 पद हैं। अब देखो, इसमें आवेदन तिथि क्या है, आयु सीमा कितनी रहने वाली है, फीस कितनी होगी, योग्यता कितनी है, कार्यकाल कितना होगा, फायदा आपको क्या मिलेगा अप्रेंटिसशिप करके, इससे आवेदन कैसे करें, और कौन कौन छात्र इसको अप्लाई करेगा, इसकी फीस कितनी होगी, क्या आपको फीस वहां पर जो है सैलरी वगैरह दी जाएगी, क्या रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो सभी सवालों के बाद जवाब जो है इस वीडियो में देने वाला हूं, अंत तक बने रहना। तो ध्यान रखना डियर, 3,612 पद है टोटल। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन कोई नहीं, मैं सही कर दूंगा। ठीक है, आवेदन तिथि कब है यहाँ पर, 28 मई। ये ध्यान रखना, 28 मई से लेकर के 27 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कब तक, 28 मई से लेकर के 27 जून तक, यानी कि आपको सिर्फ एक महीना आपके पास बहुत है, काफ़ी है। ठीक है, इसके अब लिए अप्लाई करने का। आयु सीमा की अगर हम बात करें, ध्यान रखना, आयु सीमा जनरल और ओबीसी वालों के लिए, देखो जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ खासकर, पहले तो मैं जनरल वालों के लिए यहाँ पर 24 साल है। ठीक है, कितनी साल है यहाँ पर, 18 से 24 साल, किसके लिए, जनरल वालों के लिए 18 वर्ष से लेकर के 24 साल तक के छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन, जनरल। ठीक है, जनरल वाले कब से होंगे, 24 साल। ठीक है, ओबीसी वाले आ जाओ, अब देखो छूट का बताऊंगा, छूट सब इसमें ही है, जो ओबीसी वालों के लिए कितनी है, 18 साल से लेकर के 27 साल तक। ठीक है, ध्यान रखना डियर, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो 28 साल से लेकर के 27 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इस चीज में अप्लाई करोगे। अब आ जाओ एससी एसटी वाले, तो एससी एसटी वाले कब तक हैं, 18 साल से लेकर के 29 साल इनके लिए एज है, किसके लिए, एससी एसटी वाले और पीडब्ल्यूडी वाले, ध्यान रखना। अब आप लोग बोलोगे सर छूट, तो छूट भाई साहब सब इसमें ही है, मैंने आप लोग बता दिया कि ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी वालों को यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाती है, तो मैंने पहले से इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, मैंने फिक्स कर दिया है बिल्कुल, ये अगर इतनी एज आपकी बन रही है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, इसमें अब कोई ना तो घटत होगी ना बढ़त होगी, मैंने पहले से फिक्स कर दिया। अब देखो फीस की अगर हम बात करें, तो फीस ध्यान रखना डियर, जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए मात्र 100 रुपये फीस है। ठीक है, ये 100 रुपये फीस आपको वहां पर देनी पड़ेगी। जो एससी एसटी वाले और पीडब्ल्यूडी वाले उनके लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है, 0 रुपया है। ठीक है, आपके लिए फॉर्म ये फ्री है। ठीक है, अच्छा योग्यता सबसे बड़ी बात आती है, इसमें योग्यता क्या होने वाले, कौन छात्र इसमें अप्लाई करेगा, तो देखो 10वीं आपके पास है। ठीक है, आपके पास आईटीआई है, ये भी ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ ये इन्होंने एक और कंडीशन यहाँ पर रखी है कि 10वीं में 10th में आपके पास यहाँ पर 50% अंक होना जरूरी है। अगर आपके 10वीं में 50% अंक बन रहे हैं तो ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई हो। ठीक है, एलिजिबल आप मानिए, आपको माना जाएगा तभी, अगर आपके यहाँ पर 50% अंक बन रहे हैं 10वीं में तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, चाहे आपके 49% ही क्यों ना बन रहे हो, अगर 50% से कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं करोगे, 50% अंक इन्होंने मांगता है रेलवे। ठीक है, ध्यान रखना आईटीआई के साथ साथ 10वीं में आपके 50%। कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल होगा मेरे भाइयों यहाँ पर 1 साल का, कितना, 1 साल का आपका यहाँ पर कार्यकाल होगा। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो अप्रेंटिसशिप होगी वो आपकी 1 साल की होगी। ठीक है, अप्रेंटिसशिप आपकी कितने साल की होगी, 1 साल की। ठीक है, अब देखो 1 साल में आपको कितने रुपए दिए जाएंगे, तो वही आपको 7 से 8 हज़ार रुपये का यहाँ पर स्टैंपर दिया था, 7.5, क्योंकि ट्रेड वाइज दिया जाएगा। ठीक है, 7,000 से लेकर के 8,500 तक का आपको यहाँ पर स्टैंपर दिया जाएगा ट्रेड वाइज। ठीक है, अभी बताऊंगा ट्रेड कौन कौन से इसमें अप्लाई करेंगे, है ना, चिंता मत करो, पूरा डिटेल दिखाऊंगा ट्रेड कौन कौन सी है। ठीक है, फायदा क्या है, तो देखो सबसे पहले तो आप पहले अपने ट्रेड चेक कर लो, है ना, ट्रेड चेक करो अपनी, ट्रेड आपको स्क्रीन पर दिख भी रही होंगी, यहाँ पर ट्रेड भी काफ़ी सारी हैं, इसमें ऐसा नहीं है, काफ़ी सारी है, इलेक्ट्रिशियन फिटर वगैरह हो गए, देखो स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकती हैं, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक जो होते हैं डीजल मैकेनिक वाले, मोटर व्हीकल वाले, पीएससी ऐसे वाले, इलेक्ट्रिशियन वाले, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, आरएसी वाले हो गए, प्लम्बर वगैरह हो गए। ठीक है, काफ़ी सारे ड्राफ्टमैन वाले, और ध्यान रखना ये एनसीवीटी से हो आप या एससीवीटी से, दोनों ही छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपके पास नेशनल सर्टिफिकेट, चाहे आपके पास स्टेट वाला सर्टिफिकेट, क्योंकि दो होता है ना, एक तो एनसीबीटी वाले होते हैं, एक एससीबीटी वाले, तो दोनों ही छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छी बात है।
ठीक है, दोनों छात्र इसमें अप्लाई करोगे। स्क्रीन पर आप लोग चेक कर रहे होंगे, यहाँ पर मैंने ट्रेड लगा रखी है, अपना ट्रेड आप यहाँ पर चेक करो, क्योंकि आप बाद में मुझे कमेंट करते हैं कि सर ट्रेड कौन सी है, तो ट्रेड मैंने यहाँ पर स्पेशली लगा दी है, ट्रेड आपको देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई ट्रेड की बात। ट्रेड वाइज पोस्ट आपको कैसे, अब देखो पोस्ट किस ट्रेड में कितनी पोस्ट है उसके ही डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहीं से आप लोग अप्लाई करोगे। ठीक है, अब देखो उसमें फ़ायदा क्या मिलेगा, तो फ़ायदा तो भैया मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आपको 20% का यहाँ पर कोटा दिया जाएगा। ठीक है, 20% का कोटा मतलब होता है, देखो ध्यान रखना, अगर 100 वैकेंसी भी निकल रही है तो 20 वैकेंसी आपकी होंगी, तो यहाँ पर कंपटीशन पहले से ही कम हो गया, तो ये फ़ायदा आपको दिया जाएगा। उसके बाद 1/3 का वेटेज भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो आपका पीटी होता है, जो आपको वजन लेके दौड़ना पड़ता है ग्रुप डी में, वो भी आप लोगों के लिए माफ़ हो जाएगा जब आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लोगे। ठीक है, आवेदन कैसे करोगे, तो आवेदन करने के लिए ITExam.net हमारी वेबसाइट है, ठीक है, YT.net, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, नहीं तो अगर आप मैं टेलीग्राम ग्रुप चैनल से जुड़े वहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ITExam.net हमारी वेबसाइट है, जैसे आप वेबसाइट पर आओगे आपको यहीं पर पोस्ट मिल जाएगी, यहां पर आपको कैटेगरी वाइज किस ट्रेड में कितनी पोस्ट हैं, कहां से आप मतलब वो आप अप्लाई करोगे, ठीक है, कैसे आप अप्लाई करोगे, लेकिन ध्यान रखना अप्लाई करने से पहले जो सबसे जरूरी चीज़ होती है अप्रेंटिसशिप वाले छात्रों के लिए, वो होता है अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद ही आपका इस फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे, क्योंकि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फिर आप लोग मान्य नहीं है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो अपना, कैसे करना है उसकी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो जहाँ से आप हमारी वेबसाइट पर जाओगे ना, यहीं पर ही इस फॉर्म वाली पोस्ट पर, उसके नीचे ही आपको लिंक मिल जाएगा, अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, देखो लिखा हुआ ना अप्रेंटिसशिप इंडिया रजिस्ट्रेशन, इसका लिंक आपको यहाँ पर दिया रहा है, इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर आपका सवाल बनता है इस वैकेंसी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर डाउट बनता है तो आप मुझे कमेंट करोगे लास्ट में। ठीक है, बाकी जो जितना भी था मैंने मोटा मोटा पूरा आपको बता दिया है, अप्लाई करने के लिए जाओ, नीचे लिंक दिया है, 28 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, 27 तारीख तक भरे जाएंगे। ठीक है, अगर आप अभी देख रहे हो तो लिंक एक्टिवेट होने में 28 तारीख लगेगी, ठीक है, यानी कि अगर आज 27 है तो कल ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना डियर, ठीक है, कल ये ओपन हो जाएगा, कल से आप इसका अप्लाई कर सकते हो। और फॉर्म की जो वीडियो है, अगर आप लोग रिक्वायरमेंट करोगे तो मैं फॉर्म की वीडियो भी ले आऊँगा, कैसे आपको इसका फॉर्म भरना है पूरा डिटेल में मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।